हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रिंस कट ब्लाउज की डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज पीस लिया है और इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से एक किनार की साइड है और इसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। तो यहाँ से इसकी बाजू हम सीधी कट कर लेंगे। तो ये मैंने पहले से कट करके लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ से बैक साइड निकालेंगे। तो बैक साइड के लिए पहले हम फुल लेंथ लेंगे, जो भी आपकी ब्लाउज की फुल लेंथ है तो हम यहाँ से लेंगे। तो 1 इंच हम यहाँ फोल्ड के लिए लेंगे और पूरी फुल लेंथ लेंगे हम। तो यहाँ से हम 1 इंच पे फोल्ड के लिए लेंगे और ऊपर की ओर हमारी जितनी फुल लेंथ है तो 13.5 इंच है और 1/2 इंच हम ऊपर शोल्डर में सिलाई के लिए लेंगे तो 14 इंच। इस तरह से हम पूरी 15 इंच इसकी फुल लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से नेक की चौड़ाई लूँगी। तो यहाँ से मैं नेक की चौड़ाई 2.25 इंच लूँगी, क्योंकि डीप नेक रहेगा मेरा, तो मैं 2.25 इंच लूँगी। अगर आपका नेक कम होगा तो आप 2.5-3 इंच ले सकते हैं। और यहाँ से मैं नेक की साइज लूँगी, तो मेरा डीप नेक है 9 इंच, उसमें 1/2 इंच मिलाऊँगी, 9.5 इंच। इसका मैं बॉक्स बना दूँगी यहाँ से। प्राची खड़ो नहीं, एक दूसरा ठीक है। अब से ये वाले छड़ू यूज करेंगी क्या तू? क्यों? वो पार्टी पे ना दे। तू आना लर्न कर बेटा, टाइम पास करू नको। मग तुला मोबाईल पाहिजे का नाही बघायला? मग लवकर लवकर लावून मग पटकन 9 वाजता तो अभ्यास झाल्याशिवाय देणार नाही मी तुला। नको देऊ रिमोट, मला तुझ्या सारखी नाही आहे। मी माझ्या कामाकडे पहिले लक्ष देते। मी एक मिनट थांब, मी ना इथे करते। यहाँ से हमने नेक की लेंथ ली। अब हम यहाँ से शोल्डर लेंगे। तो यहाँ से जितना शोल्डर रहेगा उसका हाफ लेंगे। तो मैं यहाँ पे लूँगी 5.5 इंच। आर्म होल लूँगी यहाँ से 5.5 इंच और उसमें 1/2 इंच मिलेंगी, 6 इंच। यहाँ से लूँगी मैं चेस्ट, चेस्ट का 1/4 लूँगी। चेस्ट है 36 इंच। आपका जितना भी चेस्ट है उसका 1/4 लेके उसमें सिलाई मार्जिन लेंगे 1.5 या 2 इंच। तो यहाँ से मैं चेस्ट है 36 इंच, तो उसका मैं 1/4 लूँगी, 9 इंच, और सिलाई मार्जिन लूँगी मैं यहाँ से 2 इंच। अब मैं इसे सीधी लाइन दूँगी यहाँ से। यहाँ से बैक का आर्मोल लूँगी 1.5 इंच पे और इसे इस तरह से आर्मोल का शेप दूंगी। अब यहाँ से वेस्ट लूँगी, वेस्ट है 3 इंच, उसका 1/4 है 7.5 इंच, और यहाँ हम 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन, 9 इंच। इसे इस तरह से मिला देंगे तिरछा। अब यहाँ से दाट के लिए मैं यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ऊपर भी 3.5 इंच लूँगी और इसे इस तरह से 1/2 इंच पे तिरछी लाइन दूंगी यहाँ से। ये देखिए, और यहाँ से आप कोई भी नेक का शेप दे सकते हो। अब इसे हम कट कर लेंगे।
अब मैं यहाँ से इसे सीधा कट कर लूँगी क्योंकि मुझे नेक डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए मैं शेप के हिसाब से नहीं कट करूँगी, तो इसे मैं बाद में यहाँ पे नेक डिज़ाइन बनाऊँगी। अगर आपका शेप आपको गोल में काटना हो तो आप इसे इस तरह से कट कर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं फिटिंग लाइन में इसे कट कनेक्शन लगा दूँगी और यहाँ भी टक्स को। और यहाँ नेक के साइड को भी। तो ये हमारा बैक पार्ट हमने इसे कट कर लिया। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब इसे हम इस तरह से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ओपन साइड है हमारी किनार वाली साइड, और इसे हम बराबर रख देंगे इस तरह से, और बैक पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। तो आधा इंच हम इस साइड से एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारी हुक लूप में हम सिलाई मार्जिन लेते हैं तो आधा इंच ही इस साइड से एक्स्ट्रा रखेंगे। और इस तरह से हम ब्लाउज को रखेंगे यहाँ पे, जो हमारा बैक पार्ट हमने जो कट किया था, तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ब्लाउज को हम यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे ड्रॉ कर लिया, अभी इसे हटा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे बैक पार्ट रख के इसे ड्रॉ कर लिया, अभी इसे हटा देंगे हम यहाँ से। अब हम यहाँ से आर्म होल को सीधा कर लेंगे। तो इसके साइड में हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से नेक लेंगे, हम नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ फ्रंट है 5.5 इंच, तो उसमें हम आधा इंच में लेंगे 6 इंच, और इसे भी हम बॉक्स बना देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम नेक राउंड शेप देंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और यहाँ से आर्म होल हम 1.25 इंच लेंगे, और इसका हम जो शोल्डर है तो इसका आधा इंच हमने जो शोल्डर डाउन लेंगे यहाँ से, तो बैक पार्ट को हमने नहीं लिया था तो वो भी ले लेंगे हम बाद में। यहाँ से आधा इंच हम शोल्डर डाउन लेंगे, आधा इंच छोड़ के हम इसका हाफ निकालेंगे और इस साइड से आधा इंच लेंगे, और यहाँ से हम फ्रंट आर्मल का शेप इस तरह से देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने आर्मल का शेप दिया है। अब हम यहाँ से नीचे से इसकी लेंथ बढ़ा के लेंगे आधा इंच, तो हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी वाला निकाल रहे हैं। अगर आपको क्रॉस पट्टी नहीं निकालना हो तो आप इतना ही साइज रखेंगे, तो मैं क्रॉस पट्टी निकाल रही हूँ इसलिए आधे इंच यहाँ पे हम सिलाई हमारी क्रॉस पट्टी और ऊपर का साइड जॉइंट होगा तब सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हम आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसलिए से मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब मैं इस साइड से 3.5 इंच ऊपर निशान लगाऊंगी क्रॉस पट्टी के लिए, और यहाँ से मैं 2.5 इंच लूँगी और इसे इस तरह से शेप दूंगी। अब यहाँ से मैं शोल्डर का हाफ लूंगी, तो शोल्डर है 3.5 इंच, तो उसका हाफ निकालूंगी यहाँ से। 3.5 इंच का हाफ आता है 2.25 इंच, ठीक उसके नीचे हम यहाँ से बस पॉइंट लेंगे, तो बस पॉइंट है 9.5 इंच, उसमें आधा इंच मिलेंगे 10 इंच, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे हम। तो एक पॉइंट लगा यहाँ से। अब इसके नीचे हम एक सीधी लाइन देंगे, तो ये आता है हमारा 2.5 इंच, और इस साइड से हम 1-1 इंच लेंगे बढ़ा के। आप चाहे तो आपके बस्ट यानी कि आपकी चेस्ट ज़्यादा हो तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ से 1.5 इंच ले लेती हूँ और इसे इस तरह से तीसरी लाइन दूंगी। अब हमने यहाँ से 1.5 इंच लिया, तो यहाँ इस साइड हम 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ से हम कमर में 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे और इसे यहाँ से आर्महोल में इस तरह से तिरछा जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से 1.5 इंच जो लिया था तो यहाँ हमने बढ़ा के लिया, क्योंकि जो हमारी सिलाई में दब जाएगा तो यह हम यहाँ पे कवर कर लेंगे यहाँ से।
तो ये हमने डेढ़ इंच यहाँ से लेके यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से, तो इसे हम इस तरह से सेप देंगे और इसे अरमोल में मिलाएंगे इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ से इस तरह से लेते हुए अरमोल में मिला दिया है इसे। और इस साइड से हम 1/4 इंच थोड़ा सा दोनों साइड से तिरछी लाइन लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई में दब जाएगा तो यहाँ पे हमारा अरमोल में झोल नहीं आएगा। तो 1/4 इंच पे हम इस तरह से लेंगे। अब इसे हम, तो देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ से बैक पार्ट रख के हमने इसे 1/2 इंच नीचे के साइड में लेंथ में बड़ा के लिया है, क्योंकि हमें क्रॉस पट्टी ज्वाइन करनी, तब हमें उसकी मार्जिन के लिए हमने यहाँ पे 1/2 इंच बड़ा के लिया है। और यहाँ से हमने 3.5 इंच लिया है, यहाँ से 2.5 इंच लिया है, और यहाँ से हमने यहाँ से नेक का शेप दिया है। आर्मोल हमने 1.25 इंच पे लिया है, और शोल्डर का हमने हाफ निकाला है, हाफ लेके हमने यहाँ से बस्ट पॉइंट लिया है और उसमें 1/2 इंच मिला है। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन दी क्रॉस पट्टी पे और उसे आर्मोल में इस तरह से शेप देते हुए मिला दिया है। और जो हमने यहाँ से टक्स के लिए 1.5 इंच, आप चाहे तो 1 इंच जितना लेंगे आप, 1 इंच या 1/2 इंच, तो यहाँ कमर में बढ़ा के लेंगे। अगर आपका चेस्ट ज़्यादा हो तो आप 1.5 इंच लेंगे, तो आपका ब्लाउज बहुत अच्छे से बैठेगा, तो आप 1.5 इंच ही लीजिए। तो मैंने यहाँ 1.5 इंच लिया और यहाँ से 1.5 इंच, इस तरह से ये मैंने ब्लाउज की यहाँ पे ड्राफ्टिंग की। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा आर्मोल को, सॉरी क्रॉस पट्टी को थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस शेप देंगे। यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप लेंगे 1/2 इंच बढ़ा के। तो 1/2 इंच ऊपर हमने इस तरह से क्रॉस शेप दिए और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी क्रॉस पट्टी हमने कट कर ली है, साइड में रख देंगे। अब इसे यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा 1/4 इंच कट कर लेंगे इस साइड से भी। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया और इसे भी कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे प्रिंस कट भी इसे कट कर लिया, और ये क्रॉस पट्टी हमने जो कट की थी तो ये सिलाई में जाएगा, तो ये बराबर हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अभी हम स्लीव के लिए ये फैब्रिक जो हम बचा हुआ है लेंगे, और इसे ये डबल फोल्ड है, इसे 4 फोल्ड करेंगे यहाँ से। इसे बराबर 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम एक सीधी लाइन कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसकी चौड़ाई के लिए हम यहाँ से बैक पॉइंट लेंगे और इसे इस तरह से नापेंगे यहाँ से। तो देखिए इसका एक क्रॉस में हमने इसे नापा है तो ये आता है 8 इंच। तो यहाँ से हम इसकी चौड़ाई लेंगे 8 इंच और उसमें 1/2 इंच मिलाएंगे, 8.5 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो ये बराबर है हमारा पीस। अब यहाँ से लेंथ लेंगे, तो हम इसकी लेंथ लेंगे 5 इंच,
तो उसमें 1.5 इंच मिलाएंगे, 6.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमने लेंथ ली है उसमें, ये बगैर अस्तर का इसलिए हमने 1.5 इंच मिलाया, अगर आपका अस्तर का हो तो 1 इंच मिलाएंगे। और यहाँ से मैं 1 इंच लूँगी, इस साइड से निशान लगा दूँगी और इसे एक सीधी लाइन दूँगी यहाँ से। अब हम यहाँ से कैप हाइट के लिए मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और उसके सामने सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच लूँगी और इसे हम यहाँ से आर्महोल का शेप देंगे और इसका बीच में 1 इंच का गैप लेंगे इस तरह से, फ्रंट आर्महोल और बैक का आर्महोल। यहाँ से स्लीव की चौड़ाई लेंगे 6 इंच, उसमें 1 इंच मिलाएंगे और इसे यहाँ से तिरछा मिला के कट कर लेंगे। अभी इसे इस तरह से सीधा रखेंगे तो ये डबल है। तो यहाँ से हम फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हमने, तो देखिए हमने यहाँ पे चेस्ट 36 इंच के डायरेक्ट फैब्रिक पे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।